हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। वैसे जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक क्रिसमस हो जाएगा, बट देखो मैं आज आप लोगों को लेके आई हूँ मार्केट में क्रिसमस की। देखो किस तरह से हमारे सिटी में तैयारियाँ शुरू है यहाँ पे, और मैं आई हूँ यहाँ पे क्रिसमस ट्री लेने के लिए, छोटा सा क्यूट सा क्रिसमस ट्री। क्योंकि इस बार ना हमने सोचा है कि हम हमारे घर में भी जो है क्रिसमस ट्री का थोड़ा सा छोटा सा डेकोरेशन है सही क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करेंगे, क्रिसमस फेस्टिवल का पूरा फील लेंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है यूट्यूब पे, आने के बाद हर कोई हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, और मुझे भी ना हर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। फिर चाहे वो गुजराती दांडिया ही हो, नवरात्रि हो, दिवाली, क्रिसमस, हर फेस्टिवल्स का पूरे तरह से एंजॉय करना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसी तरह जो है शाम में ऑफिस ख़त्म होने के बाद बाहर आई थी मम्मी के साथ, पापा के साथ, सबके साथ, और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्रिसमस की शॉपिंग। जो बस छोटा मोटा सा ही सामान, हम ज़्यादा बड़ी क्रिसमस ट्री तो नहीं, बहुत छोटी सी क्रिसमस ट्री ली है और थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान। और देखो पूरा के पूरा मार्केट जो है ना वो क्रिसमस की क्रिसमस ट्रीज, सेंटा क्लॉज के जिंगल बेल्स और वो कपड़ों के इसमें पूरी तरह से उसी से सजा हुआ है, और कितना अच्छा लग रहा है देखो यहाँ पे। हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, और शॉपिंग करने के बाद हम लोग आए पीयूष के स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर चल रहा था क्रिसमस कार्निवल। और आप लोगों को पता है इस क्रिसमस कार्निवल में बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे, लेकिन मेरी मम्मी ने कोरोना के चलते यहाँ से कुछ नहीं खाने दिया। और फिर हम गए बालाजी बीकानेर के शॉप में, मिठाई शॉप पर हम लोगों ने ढेर सारा चाट खाया, मन भर कर पानी पूरी खाई। और आपको पता है मैंने बहुत सालों बाद पानी पूरी खाई, पानीपुरी का मज़ा तो हमने बहुत लिया, साथ ही रील बनाए, और एक एक गोलगप्पे को मुंह में डाल डाल के वो तभी घुल जा रहा था। और फिर हमें लगा कि वो कार्निवल का थोड़ा बहुत ही खाना सही, हम भले ही ना खा पाए और यहाँ पर आकर थोड़ा सा ही क्यों ना खा लिया, पर हमने बहुत खुशी से खाया। लेकिन हमें क्या पता था कि हम इसको इतने मज़े से खा रहे हैं, और पीछे से मेरी मम्मी का एक नया फरमान आने वाला था। आप लोगों को पता ही है कि कोरोना अभी कहाँ गया है, हम तो सोच रहे थे कि कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन कोरोना तो वापस आ गया, और इसी के साथ साथ मेरी मम्मी के रूल्स भी वापस आ गए। गोलगप्पे बहुत मज़े से खाते खाते पीछे से मेरी मम्मी ने कहा, ये तुम्हारा आखिरी गोलगप्पा है, अब इसके बाद तुम्हारा बाहर का खाना सब बंद। The next day. Friends, good morning. Welcome back to my channel. कल का वीडियो मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ, और आज पता है आपको क्या है, आज है क्रिसमस। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। और देखो आज ना हमारे घर के सामने वाला एरिया ना पूरे कितने सारे लोग आए हैं यहाँ पे ना आज पूरा क्लीनिंग चल रहा है, मतलब पूरा जो रोड की क्लीनिंग है, साइड में जो क्लीनिंग है, सब कुछ इतना क्लीन कर रहे हैं लोग, तो काफ़ी सारे लोग आए हैं यहाँ पे क्लीनिंग के लिए। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, घर के बाहर इतनी सारी साफ़ सफाई चल रही है, इतना सब कुछ क्लीन कर रहे हैं, तो घर के अंदर भी सारा क्लीनिंग होना चाहिए ना। इन लोगों से इंस्पायर होकर आज हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम भी जो है ना हमारे घर का पूरा क्लीनिंग करेंगे, पूरा डस्टिंग वगैरह करेंगे। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे, हमारे जो बेडशीट्स है उसको चेंज करना है, सोफ़ा कवर चेंज करना है, और फिर कल से ऑफिस है तो सारे कपड़े वगैरह आयरन करके रखना है, बहुत सारी तैयारी करनी है। तो पहले हम लोग अब घर की साफ़ सफाई करते हैं, जब तक कि वो बाहर की साफ़ सफाई करेंगे। यहाँ पर मम्मी कल हम लोग जब बाहर घूमने गए थे तो जो कपड़े निकले थे वो कपड़े धो रही है,
और मैंने उतने ही टाइम में बाहर कल के सुखाए हुए कपड़ों को घड़ी कर लिया ताकि हमारा इस तरह से काम जो है वो बढ़ जाए। जब भी मुझे छुट्टियाँ होती है ना तो मैं मम्मी के आधे काम करने लगती हूँ, हेल्प करती हूँ। वैसे मम्मी की हेल्प सबको करनी चाहिए, तो बस ऐसे ही जितना हो सके मुझसे मैं ऐसे हेल्प करती हूँ मम्मी को कि कपड़े घड़ी कर लिए, सब हफ्ते भर के कपड़े आयन कर लिए, ऊपर का जो काम होता है वो मैं कर लेती हूँ ताकि मम्मी को जो है संडे के दिन थोड़ा सा रेस्ट मिले। वरना हफ्ते भर मम्मी जो है मेरे पीयूष के पीछे, पापा के पीछे, सबके पीछे पड़ी होती है सुबह के खाने से लेके। बस मम्मी को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए यही हिसाब से हम लोग जो है मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प कर लेते हैं। काम करते करते बीच में ही हमें याद आया कि हमने कल मार्केट से लाए थे ये पेरू, तो इसे तो खाना बनता है ना ताकि हमें काम करने में और एनर्जी मिल जाए। घर तो हमने पूरी तरह से साफ कर दिया, उसे एकदम से चमका दिया और सजा दिया, सज धज के हमारा घर जो है वो एकदम चकाचक हो गया। लेकिन घर के साथ साथ अब बारी आती है हमारे इस कल के लाए हुए छोटे से क्यूट से क्रिसमस ट्री को सजाने की, इसको डेकोरेट करने की। आज है क्रिसमस एंड विश यू ऑल मैरी क्रिसमस। तो आप लोगों ने आपका क्रिसमस किस तरह सेलिब्रेट किया मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वैसे तो मैंने आप लोगों को ये कल ही बता दिया था कि हमने छोटा सा क्यूट सा क्रिसमस ट्री लाया है, तो बस कुछ सामान हम लेके आए थे और कुछ घर में पड़ा हुआ था, इस तरह से हमने छोटा सा क्रिसमस ट्री जो है यहीं पर टेबल पर रूम में जो है सजा दिया इसको। और क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के बाद मुझे लगा कि कितना सुंदर ये क्रिसमस ट्री लगता है जब हम इसको डेकोरेट करते हैं। आज घर में हमने इतना सारा काम कर लिया कि इस चक्कर में हम हमारी पेट पूजा के बारे में तो भूल ही गए थे। और फिर अचानक से याद आया कि घर में थोड़े से बूंदी पड़ी है, तो क्यों ना खिचड़ी और बूंदी बना के इसका मजा लिया जाए। तो सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला, और देखो शाम के टाइम पे हमारे काम यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुए। जो सारे सोफे के कवर्स हमने धो के डाले थे ना, तो अब उसको वापस से चढ़ाने की बारी आई। यानी दिन में हम लोगों ने सब सोफे के कवर वगैरह निकाल लिए, इसे धोकर सुखा दिया, और अब शाम में बारी आती है वापस से इसे चढ़ाने की। और देखो आज पूरी की पूरी बालकनी है ना कपड़ों से ही भरी हुई है, और इससे पहले भी बहुत सारे कपड़ों को हमने पहले ही घड़ी कर कर रख दिया क्योंकि वो सूख गए थे। अब आप यही कपड़ों से अंदाज़ा लगा लो कि आज हमारे घर में कितने कपड़े धुले। A few moments later. अब पूरे घर की साफ़ सफाई के बाद फाइनली हर चीज़ को अपनी जगह पर रखकर मैंने जो है शाम की दियाबाती कर ली है। और देखो मम्मी आज स्पेशल क्या बना रही है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो, और सुबह से हम लोगों ने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, तो आज मम्मी स्पेशल जो है दाल बाटी बना रही है, और ये आज हमारा डिनर। तो
तो हमारा डिनर आप भी एंजॉय कीजिए, और इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं फुल फैमिली के साथ कहीं बाहर, और यहाँ पे हम लोग बहुत मज़े करेंगे, बहुत सारे रील्स शूट करेंगे। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का वीडियो अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।